السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا. One of the biggest assets to your vision are the people associated with it. वो लोग ही हैं जो आपके विजन को बनाते हैं, लोग ही हैं जो आपके साथ चलते हैं, और आपने लोगों को बनाना है, विजन को नहीं, because लोग आपके विजन को बनाएंगे, विजन खुद में खुद नहीं बनेगा, और इस सफर के अंदर, इस जर्नी के अंदर, वो मिस्टेक्स करेंगे, कहीं ना कहीं गलती होगी, कहीं ना कहीं उनकी वीकनेसेस होंगी, पर वो आपके साथ जुड़े ही इसी वजह से हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स उनकी वीकनेसेस को हार्नेस करती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ से हार्नेस होती है. और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में, अपने विजन में किया करते थे. अगर उनको किसी की कोई एस्पेक्ट, कोई स्ट्रेंथ पसंद आ जाती थी, वो अपने टीम में, अपने विजन में उसको इनकलकेट करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, इब्ने मसूद का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. इब्ने मसूद एक दफ़ा बकरियाँ चला रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक गिलास दूध मांगा, पर इब्ने मसूद ने मना कर दिया. उन्होंने बोला कि मैं अपने मालिक से पूछे बगैर आपको ये दूध दे नहीं सकता. पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इतनी पसंद आई, उनकी ऑनेस्टी इतनी पसंद आई, कि उन्होंने अपनी विजन में, अपनी टीम में उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बनाया. और फिर देखिए इब्ने मसूद की कॉन्ट्रीब्यूशंस. और यही एक लीडर करता है, वो टीम के साथ यही करता है, वो टीम को इसी तरीके से बिल्ड करता है. किसी की कोई स्ट्रेंथ देता है, अपनी स्ट्रेंथ को, किसी की वीकनेसेस को हार्नेस करता है. एंड दैट्स हाउ ग्रेट टीम्स आर बिल्ट, बिकॉज ग्रेट लीडर्स बिल्ड ग्रेट टीम्स दैट मेक ग्रेट विजन्स. السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا.